भारतीय जनता पार्टी से भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल ने अपना नामांकन दोपहर 12:05 पर सांसद सुभाष बहेड़िया, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता के समक्ष प्रस्तुत किया। इस अवसर पर विधायक गोपाल खंडेलवाल, लादूलाल पितलिया, लालाराम बैरवा, गोपीचंद मीणा सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। आज शुभ मुहूर्त में मैंने मेरे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और संगठन के शीर्ष नेतृत्व के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया है। मेरे प्रस्तावक हमारे सांसद, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सुभाष जी भाई साहब हैं। मैं ये चुनाव पार्टी की रीति नीति को आगे बढ़ाने के लिए लड़ूंगा। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक उन्नयन, गरीब कल्याण और विकसित भारत के संकल्प के साथ चुनाव मैदान में है। पिछले 10 वर्षों का यशस्वी कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे साथ है। पिछले 10 वर्षों का यशस्वी विकास का कार्यकाल हमारे माननीय सुभाष जी भेड़िया का हमारे साथ है। मैं इस चुनाव में विकसित भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र की संकल्पना के साथ उतर रहा हूँ। मुख्य मुद्दा यहाँ के नौजवानों के लिए किस प्रकार से रोजगार का सृजन हो सकता है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर आने वाले 5 वर्ष में मैं भरसक प्रयत्न करूँगा कि जन आकांक्षा पर जनता का आशीर्वाद मिला तो खरा उतरूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं जैसा सहज सरल मिलनसार, मैं भीलवाड़ा के जिले के हंडोली सहित कम से कम 20,000 लोगों को नाम से पुकार सकता। ऐसा अपनापन, ऐसी सहजता ईश्वर मेरे में बनाए रखे।